हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन और आप देख रहे हैं के टेक्निक चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि केवाईसी कंप्लीट कैसे करते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में मैंने बताया था कि केवाईसी कंप्लीट कैसे करते हैं, इस बार भी मैं आपको बताता हूं कि केवाईसी कंप्लीट कैसे करते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में मैंने 35% मतलब 35% ही केवाईसी कंप्लीट किया था। दोस्तों 35% तक आप केवाईसी कंप्लीट करोगे तो आपको सिर्फ वॉलेट से पैसा अपने दोस्तों के साथ सेंड करोगे, ट्रांसफ़र करोगे या तो अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही आपको फ़ायदा होता है। इस बार दोस्तों मैं केवाईसी 60% मतलब 60% आपको केवाईसी कंप्लीट करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको 60% कंप्लीट केवाईसी करना है दिया था, बट इस बार दोस्तों हमें क्या करना है कि आपको सिंपली आपके जो नज़दीक के केवाईसी सेंटर है, पीटीएम केवाईसी सेंटर, आप यहाँ से आप कंप्लीट आपको पीटीएम के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपके आपके गांव से केवाईसी सेंटर कितना दूर है। तो सिंपली सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पेटीएम से मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा तो बहुत नज़दीक था इसलिए मैंने यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट किया। दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है, आपको सिंपली केवाईसी जो केवाईसी ई केवाईसी मशीन होता है इससे आपको आपको केवाईसी करवाना है। सिंपली आपको अपने जो फिंगरप्रिंट देनी है और आपके मोबाइल में जो ओटीपी है वो ओटीपी केवाईसी सेंटर में देना है, उतना ही करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कम्प्लीटली आपको मिल जाएगा एक अलग से अकाउंट, आपको मिलेगा अकाउंट नंबर मिलेगा। तो आपको इस तरह से दोस्तों पेटीएम अकाउंट बनाना है। दोस्तों 60% करने पर आपको सब कुछ जो पेटीएम सर्विस है यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों आपको 100% केवाईसी करने पर आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप वॉलेट में 1 लाख रुपीज़ या तो अपने पेटीएम बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ तक रख सकते हैं। बट आप 100% केवाईसी नहीं करते हैं तब तक दोस्तों आपको कुछ लिमिट रहती है पैसों की लेन देन के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपना जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद पैन कार्ड की डिटेल डालनी है। पैन कार्ड की डिटेल डालोगे तो दोस्तों आपको कंप्लीट आपका जो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सारे की सारी सर्विस का फ़ायदा यहाँ पर पेटीएम में कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी मतलब आप यहाँ पर सारे के सारे जो पेटीएम का प्रॉफिट है वो यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों दूसरे इस वीडियो के अलावा भी मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा पेटीएम का सारे की सारी सर्विस के लिए, तो आपको इसके लिए वेट करना है। दोस्तों आप दोस्तों मेरे रियल सब्सक्राइबर है, आप रेगुलर मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको तोहफे के बारे में बताया कि मैंने दो बंदे को 500-500 रुपीस का जो प्राइस रखा है कि किसी दो बंदे को 500-500 रुपीस का प्राइस
दे दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को भी आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जो मेरा एम्स है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और आपको भी ये फ़ायदा हो जाए। दोस्तों आप लकी हो तो आपको ये फ़ायदा 100% हो जाएगा। तो दोस्तों इस बार में मैंने गिवे रखा है दोस्तों इस वीडियो में मैंने, तो सिंपली मैं दो बंदे को 10-10 रुपीज़ का पेटीएम कैश दूंगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। शेयर करने के लिए दोस्तों मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो मेरा ये वीडियो है आपके दोस्तों के पास जाएगा, मतलब आपके 100 दोस्तों के पास चला जाएगा। तो आपके 100 दोस्त इस वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। तो दोस्तों इससे मेरा जो एम्स है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और इसका जो मैं प्राइस हूँ जल्दी से आपको दे दूंगा। तो दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। तो आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो भी फायदेमंद है। तो दोस्तों इस वीडियो को पहले से अंत तक देखना है, दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को पहले से अंत तक देखिए। और दोस्तों मैंने ये भी बता दूं कि आप कमेंट में 3 या 4 कमेंट ज़रूर जो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, कि कुछ भी आप कमेंट पे बता दिए इस वीडियो के बारे में, कि मुझे पता चलेगा कि आप मेरा जो वीडियो कंप्लीट पूरा देखते हैं, तो मेरा जो वॉच टाइम है जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और इससे भी फ़ायदा जल्दी से आपको हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में भी आपको इस वीडियो का जो वॉच टाइम मेरा ज़्यादा होगा, इतना ही आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको जो मैंने पहले वीडियो में जो 500 रुपीज़ का जो इनाम रखा है वो भी आपको मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पर बिना समय गवाए और टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पेटीएम पर क्लिक कर देना है। पेटीएम पर क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों हमें यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ जो राइट साइड कॉर्नर में प्रोफाइल सेक्शन में, तो मैं दोस्तों प्रोफाइल सेक्शन में क्लिक करूँगा तो इस तरह से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमें लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों सिंपली हमें यहाँ पर अपना जो रजिस्टर्ड पेटीएम मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर जो मैं अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों सिंपली हमें यहाँ पर जो पासवर्ड है वो डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों सिंपली नीचे देखिए लॉगिन सिक्योरली, तो दोस्तों सिंपली हमें यहाँ पर लॉगिन सिक्योरली पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों हम ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि मेरा जो केवाईसी है कितना कंप्लीट हुआ है। दोस्तों मैंने आपको ये नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने जो केवाईसी सेंटर में गया था और यहाँ पर मैंने जो जो भी प्रोसेस की थी जो भी प्रोसेस की थी वो केवाईसी सेंटर के माध्यम से की है, इसलिए यहाँ पर मैंने कोई वीडियो इसके बारे में नहीं बताया है। बट आप देख सकते हैं जो मेरे अगले वीडियो में 35% यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट हुआ था, बट यहाँ पर देखिए 60% कंप्लीट हो गया है। दोस्तों 60% मैंने अभी बताया कि 60% केवाईसी कंप्लीट होने पर हमें क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आप 60% आपने केवाईसी कंप्लीट किया है तो आपको ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये देखिए हमें यहाँ पर देखिए बैंक पर आप क्लिक करोगे 60% कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों यहाँ पर देखिए मुझे ये जो डिजिटल डेबिट कार्ड है मुझे प्रोवाइड किया है, इसे बोलते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो सिंपली आप इसका यूज़ करते हैं कैसे, तो दोस्तों इसके मैं उसके बारे में मैंने वीडियो बताया है कि उसके उसका क्या यूज़ होता है पेटीएम डेबिट कार्ड का। तो सिंपली आप यहाँ से किसी भी दोस्त को पेटीएम डेबिट कार्ड दोगे, उसका डेबिट कार्ड नंबर दोगे तो वो मनी लोड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दोस्तों मनी लोड करने के लिए ये जो पेटीएम डेबिट कार्ड है वो यूज़फुल बनता है, या तो शॉपिंग साइट के लिए भी ये डेबिट कार्ड यूज़फुल बनता है। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पर देखिए मुझे ये जो सेविंग अकाउंट भी मिला है, तो यहाँ पर मुझे पेटीएम सेविंग अकाउंट भी अलग से मिला है। तो आप देखिए यहाँ पर जो मेरा ये पेटीएम सेविंग अकाउंट है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि यहाँ पर दोस्तों पासबुक भी मिलती है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पासबुक,
तो फिर इस तरह से आपको पासबुक भी मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड भीम UPI, मतलब आपको 60% KYC कंप्लीट करने पर आप भीम UPI का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हमें पासबुक मिलता है। तो सिंपली पासबुक में आप जब रनिंग करोगे, यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है यहाँ पर इस अकाउंट का, इसलिए यहाँ पर पासबुक में कुछ जो हो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन अभी नहीं किया है। जो 60% KYC कंप्लीट करने के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगा, तो यहाँ पर आपको पासबुक में जो इसकी एंट्री है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। बट अभी तक दोस्तों मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, इसलिए कोई एंट्री पासबुक में नहीं है, इसलिए इस तरह से शो हो रहा है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो मेरा 60% है, तो मैं यहाँ पर 100% करके बताऊँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टैप आपको यहाँ पर क्या करना है, पान कार्ड। तो मैं यहाँ पर आपको पान कार्ड, जो पान कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पर भर के बताऊँगा। यहाँ पर हमें फिल करनी है पान कार्ड की जो डिटेल्स है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर कुछ लिमिट हो मिलती है पेटीएम से, कि आप पेटीएम से बिना पान कार्ड से कितने पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितना व्यवहार कर सकते हैं। तो ज़्यादा व्यवहार करना है और ज़्यादा पैसा यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए और ज़्यादा मनी ट्रांजेक्शन के लिए आपको पान कार्ड नंबर डालना है, और आपको जो अपनी जो मनी वॉलेट अपग्रेड इस तरह से पान कार्ड नंबर डाल के करना है। तो फ़िलहाल मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास, हाँ दोस्तों मेरे पास पान कार्ड है। तो मैं यहाँ पर आपको आपके सामने ही आपको फिल करके बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं अपना जो पान कार्ड नंबर है वो यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों आपको शायद 10 डिजिट का आपको यहाँ पर पान कार्ड नंबर मिलेगा। दोस्तों आपको पान कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद देखिए नीचे आई कंसर्न स्टोरिंग ऑफ पैन कार्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट एंड लिंकिंग ऑफ द सेम विथ माई KYC। तो आपको दोस्तों इस तरह से 10 डिजिट का जो पैन कार्ड नंबर है वो डालना है, और उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर बॉक्स में राइट कर देना है। राइट करने के बाद हमें यहाँ पर ब्लू कलर के बटन पर क्लिक कर देना है। ये दोस्तों सबमिट का ब्लू कलर का बटन है, नीचे आप यहाँ पर क्लिक करके जो ये पैन कार्ड की डिटेल आप जो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है पैन पैन वेरिफिकेशन फेल, प्लीज़ ट्राई लेटर, इम्पोर्टेंट, योर पान कैन ओनली बी लिंक्ड सिंगल मोबाइल नंबर, इफ़ यू हैव ऑलरेडी लिंक्ड योर पान विथ सम अदर मोबाइल नंबर प्लीज़ लॉग इन विथ रिपोर्ट इश्यू। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मेरा जो ये पान कार्ड नहीं ले रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसका दूसरे अकाउंट में यूज़ कर लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको डालना है जो 10 डिजिट का पान कार्ड नंबर। आपके पास पान कार्ड है तो दोस्तों, पान कार्ड नहीं है तो दोस्तों आपके आपको यहाँ पर 60% ही आपका जो पेटीएम अकाउंट है, यहाँ पर 60% ही KYC रहेगा, और आप ज़्यादा मनी ट्रांजेक्शन के लिए फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। कुछ लिमिट आपके लिए यहाँ पर बनती रहेगी। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन मिलेगा, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो हमारा एम्स रखा है वो कंप्लीट पूरा हो जाए और आपको ये फ़ायदा भी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं एक बात भूल गया, अभी तक आपने दोस्तों मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक वंदे मातरम।
We'll be right back.